स्टाफ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? नमस्ते, हेलो, हम ढोलकपुर टीम है, इस प्रतियोगिता में खेलने जा रहे हैं। ढोलकपुर टीम, पता नहीं था ये बच्चों की झुंड है। तुम सबको क्या लगता है, बच्चे होकर इस इंटरनेशनल क्रिकेट कप में खेल पाओगे, जीत पाओगे? हार जीत का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता, पर हम खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कि यहाँ पर सब लोग ढोलकपुर टीम को याद रखेंगे। अब मैच शुरू। और पहली बॉल में सिक्सर। अनबिलीवेबल। वाकई ढोलकपुर की ये सरप्राइज टीम ने यहाँ की सब दर्शकों को ताजुब कर दिया है। और पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। खासकर भीम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है और वो सबका फेवरेट बन गया है। अनबिलीवेबल, इस टूर्नामेंट में सबसे नीचे शुरू करके ढोलकपुर टीम फाइनल्स तक पहुंच गई है। आज इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में, और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले हैं। ढोलकपुर की बॉलिंग जितनी अच्छी है, फील्डिंग उतनी खराब है। इस बॉल के साथ पहला इनिंग समाप्त होता है। ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कारिया, सामना करेंगे मार्शल की तूफान पारी का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है और खतरनाक। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसको बैटिंग नहीं धुलाई खेलनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट बॉल जल्दी गिर रहे हैं। मार्शल ने ढोलकपुर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब दो बॉल्स में 7 रन चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए सिक्सर ही चाहिए। एक तरफ है खतरनाक बॉलर मार्शल और दूसरी तरफ भीम। क्या भीम ये कर पाएगा? अनबिलीवेबल, ढोलकपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। छुट्टी है, आसमान भी साफ है, आज तो गली क्रिकेट खेलने का दिन है। कोई है जो मेरे साथ गली क्रिकेट खेलेगा? मैं मैं और मैं। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। फिर से? तुम बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियां तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू, तेरी बारी फिर से आ जाएगी, अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूँगा। ठीक है।
लगता है मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे ढोलू, कभी भी हाथी की बगल में नहीं सोना चाहिए। चूहे उसके पेट में खेल रहे हैं और चोट हमें लग रही है। क्या कहा तुम दोनों ने? कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी और ये बॉल तुम्हारी है। इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। हम चारों के खेलने के लिए तो जगह कम पड़ रही है, सब मिलकर कैसे खेल पाएंगे? तो ठीक है, सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना। ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं। और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। हमारी बॉल, वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। आज का गेम मैं ही जीतूंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बॉल कालिया को, और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सेल आदमी के कैंप की तरफ। क्यों प्यारे बच्चों, बॉल वापस चाहिए? तो लेकर दिखाओ। चो। भाग तालिया भाग। My new movie is coming on May 10th. Please watch it in theaters near you.